तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं समीर जोशी एक और वीडियो के साथ आ गई। ये वीडियो है भाई पाकिस्तान की हू शायला खान का, जो पाकिस्तान की जाहिल अवाम के बीच में पहुंची है पूछने कि भाई ये खालिस्तान वाला ठोका ठोका ही हो रहा है कनाडा का, पपियां छपियां हो रही हैं, झपियां यहाँ से मोदी जी भी ठोक रहे हैं दबा के, उन्होंने पत्थर मारा यहाँ से पूरा पहाड़ गया। तो उस पे पाकिस्तानी आवाम क्या कहती है, मतलब जाहिल आवाम क्या कहती है, जो हम भी सुनेंगे भूतनी की क्या कहती है, देखते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और जाहिलों को देखने के लिए और इनकी बचाने के लिए। इंस्टाग्राम और एफबी पे भी फॉलो कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं पाकिस्तान और बजाते हैं इनकी तक दिना दिन था। इंडिया और कनाडा के बीच जो तश्वीश जाहिर हो रही है खालिस्तान को लेकर, उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा बताता जा रहा हूँ कि सब कॉन्टिनेंट इस वक्त तीन कौमें आबाद थी, एक मुसलमान, एक हिंदू और एक सिख कौम। हिंदुस्तानी दबा के गलत तरीके से सिख कौम को दबा के अपना हिस्सा शामिल करना चाहते हैं और सिखों के होने और नौजवानों को कत्ल करते हैं। और अगर देखें हिंदुस्तान और कनाडा के दरमियान जो हालात खराब हुए हैं, उसके पीछे बुनियादी वजह क्या है? इंडियन दहशतगर्दों ने कनाडा के अंदर सिखों के सबसे बड़े लीडर को, जो खालिस्तान का सबसे बड़ा हामी था, जो रेफरेंडम कर रहा है, अपनी एक आवाज़ उठा रहा है, अपना हक मांग रहे हैं, उसको उन्होंने गैर मुतनाज़ा तरीके से कत्ल करवाया है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हिंदुस्तान के खिलाफ सिख आवाज़ उठा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। और ये कनाडा की एक आज़ाद जनमत हिंदुस्तान का नाम थी, और साथ ही उन्होंने उनके जो सफ़ीद था सबसे बड़ा डिप्लोमेट, उसको उन्होंने मुल्क से दरबदर करके निकाला, ये वजह है। अच्छा, हमेशा खालिस्तान को कनाडा, तो इस जाहिल को ये नहीं पता कि खालिस्तान को, खालिस्तान में इंडिया में चाहिए कनाडा में चाहिए? तो इस जाहिल से पूछ तो लो, कनाडा में चाहिए या इंडिया में चाहिए? आओ इंडिया आओ, कभी हवेली पे दर बदर कर दिया है हमने, क्या चूड़े रन रखी है, हमने भी ठोक दिया बेटा। मोदी जी का कहना था तुम वहां से ईंट मारोगे तो यहाँ से पूरा पहाड़ जाएगा, जिसके भोसले दब के पिचक जाओगे, फिर चाहे घंटा कोई भी कंट्री हो। पाकिस्तान की तरह थोड़ी ना है। हाँ अच्छा, रेमी डेविस के टाइम पे, ओह अच्छा, ऐसी फाड़ कर दी तुम्हारे कर्नल जनरल की, समझ गए? नहीं समझते तो जरा बैकग्राउंड पढ़ो। यूएस ने साफ मना कर दिया था कि तुम्हें अब इस जो एड जाने वाली है देंगे नहीं, नहीं तो रेमी डेविस को फ्री करो और इसके लिए हम एक रुपया नहीं देंगे। पता तुम्हारे आर्मी ऑफ आर्मी चीफ ने क्या करा था, जो दो बंदों को ठोका था ना रेमी डेविस ने, लाहौर की सड़कों पर सरे हम, उनकी फैमिली को 24 करोड़ रुपए दिए थे। उनकी फैमिली ने कोर्ट में फिर कहा था कि हम अपने केस वापस लेते हैं, खत्म करवाया था शरिया के थ्रू, बात समझ में आई? और वहीं से वो सीधा एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट से यूएस। तो जाहिलो, पाकिस्तान इंडिया में बहुत फर्क है, तुम मांगते हो भीख, इंडिया मारता है ईंट। बुनियादी वजह ये खालिस्तान को सपोर्ट करने की, 18% वोट है जस्टिन ट्रूडो का खालिस्तानियों का, वो उनको सपोर्ट करेंगे। ये सही बात है, हाँ जी, क्योंकि ट्रूडो अपनी गवर्नमेंट खालिस्तानियों के बगैर बना ही नहीं सकता। देखिए, खालिस्तानियों के कनाडा के अंदर आज भी मिलियन के हिसाब से जो जमीन पड़ी हुई है वो गैर आबाद है, जिसको सिखों ने और कैनेडियन पर्सन ने आबाद किया। जो सिखों का आने वाले वक्त के अंदर, सिखों का जो सेकंड पर्सन आ रहा है वो उनका वाइस प्रेसिडेंट है, और आने वाले वक्त के अंदर सिखों का ही प्रेसिडेंट आएगा ट्रूडो की जगह उस मुल्क के अंदर, कनाडा। देखिए, कनाडा ने तो इल्जाम लगा दिया कि भारत ने किया, ठीक है, लेकिन कनाडा सबूत क्यों नहीं पेश किया जाए, जिसकी वजह से सारी दुनिया जो है कनाडा के ऊपर थूक रही है कि अगर आपने इतनी बड़ी बात करनी थी तो सबूत भी लाओ। अमेरिका ने भी कह दिया कि सबूत लाओ। देखिए, अमेरिका ने, देखिए एक चीज और देख ले, इस खिते के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बड़ा हिंदुस्तान का पार्टनर कौन है? अमेरिका, जिसने हिंदुस्तान को लॉन्च किया है। अगर आप देखें, अमेरिका ने उनको मॉरली सपोर्ट किया कनाडा को, देखिए आज अब देखिए कनाडा को अमेरिका ने भी सपोर्ट कर दिया, लेकिन ये कनाडियन वजीर आजम के ऊपर तो आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बाइडन को क्यों नहीं कुछ कह रहे? जो बाइडन को बताएंगे, बाइडन का खालिस्तान से क्या ताल्लुक है? देखिए, तो यही तो बात है ना, उनको सपोर्ट तो कर रहा है। खालिस्तान एक, देखिए, गरीब कौन की आवाज है जिसको उठना चाहिए और बनना चाहिए। खालिस्तान देखिए, सिख हैं, वो अपने अलहदा वजूद रखते हैं, उनके साथ हिंदुस्तान की टाइम के ऊपर उन्होंने गवर्नमेंट ने एक वादा किया था, बकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, आपको आपके हुक दिए जाएंगे, उनके फार्मर्स को मारा जाता है। देखिए किस कदर उनका होने आर लीडर सिद्धू मूसेवाला, जो कि उनको कमा के देता था सालाना 2 करोड़ टैक्स देता था, उसको एक जेल के अंदर बैठे शख्स ने मार दिया, क्या उसकी आज दिन तक तहकीक नहीं हुई उसकी? वो तो गैंग मर्डर था सर। गैंग, मुझे बताएं, जेल से बैठ के एक शख्स एक बंदे को मार देगा, ये कैसा गैंग मर्डर है बताएं? और आज दिन तक उसका बाप, जो 2 करोड़ रुपया सालाना टैक्स देता था, वो वसूल इंसाफ के लिए धक्के खा रहा है, उसको आज दिन तक सबूत नहीं मिला। उससे पहले प्रदीप सिंह ने मार दिया। हिंदुस्तान के अंदर सिखों के आए दिन नौजवानों को मारा जाता है। फार्मर प्रोटेस्ट के अंदर आप देख लें, सिख कौम अपना एक आजाद वजूद रखती है, और याद रखें ये सिख वो कौम है जिसकी बुनियाद के ऊपर ब्रिटिश ने पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर राज किया था, और हिंदुस्तान का दिफा करने वाले आज भी सिख ही हैं जो लड़ते हैं बॉर्डर के ऊपर। इस जाहिल को कौन समझाए सिख है कौन? हिंदुओं के अंदर से अपने बच्चों में एक बच्चा निकाल देते हैं लड़का, ताकि वो सिख बन सके, जो लड़ता था जाके, समझ गया? और सिखों ने कभी भी ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया। बुद्धि है या बुद्धि है, भजिया है, भेजे में भेजा है कि भजिया है? दूसरी बात, खालिस्तान, खालिस्तान कहाँ चाहिए उनको? इंडिया में चाहिए ना। आओ दें खालिस्तान। किसान प्रोटेस्ट हुआ, उसके अंदर तुम अगर देश विरोधी नारे लगाओगे
तो बेटा गांड पर भी डंडे खाओगे, व्हाटएवर फिर कोई भी हो। और तुम्हें जो तहरीक की बात कर रहे हो ना, फिर तो बलोचिस्तान में, गिलगित के अंदर, पीओके में, वो तो बेचारे यूएन तक में पहुंच गए हैं। दो ना उनको, देखते क्यों नहीं, तुम्हारे यहाँ पर तो चार टुकड़े वैसे होने वाले हैं। तो दूसरे घर में जागने से पहले बेटा अपने औकात देख लो तुम, तुम्हारी तो औकात वो भी नहीं है। आए दिन पेल जाते हैं, भी बलोचो नहीं पेला है तुम्हें अच्छे से, तुम्हारे 11 पाकिस्तानी पोस्ट छोड़ के भाग गए, हथियार छोड़ के भाग गए, सब ले गए। तुम एक बलोची मारते हो ना, वो 10 मारते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, तुम्हारे यहीं के बंदे की आर्मी वाले का भाई है, उसकी स्टेटमेंट है ये। प्रोटेक्शन करें, ये प्रोटेक्शन इनसे भी नहीं होती, मैं मेरे भाई आर्मी में है। अच्छा, ये बात थोड़ी मैं कह रहा हूँ ढकी छुपी रहती है तो अच्छी बात होती है। मेरे भाई आर्मी मुझे हकीकतें बताते हैं, वो ठीक है मुझे बताते हैं। अगर कोई एक बंदा उधर आके तालिबान का या फिर इंडिया से कोई एक बंदा हमारा मर जाता था ना, सॉरी एक हम उनका मार देते थे तो इधर से वो 10 मारते थे हमारे, ठीक है। और इधर जज्बा लेके फिर रहे हैं यार। जाहिलो हम तुम्हारी तरह नहीं है कि उनको खाने के लिए ना दें, उनके हम चीजों पे ना करें। जो पूरे इंडिया में कानून चलता है वो पंजाब में भी चलता है। तुम लोगों ने पंजाब को गंद मचा रखा है, पंजाब के अंदर चिट्टा ड्रग्स वहां भेजते हो तुम, क्योंकि पंजाब बॉर्डर लगता है। और जो इन चीजों में इन्वॉल्व होगा, इंडिया को तोड़ने की कोशिश करेगा, इंडिया के खिलाफ जाएगा, तो तुझे लगता है उसकी पपियां लेंगे, कान के नीचे ही बजेगा उसके। फिर खालिस्तान, उसको खालिस्तान बना देंगे। और जिसको खालिस्तान चाहिए आ जाओ इंडिया में, देते हैं खालिस्तान। और जो सिख है ना, है उनकी कुर्बानी नो डाउट बहुत अच्छी है, और अभी भी कितने सिख है मेरे यार दोस्त में भी सिख है, कभी वो तो नहीं बोलते। इंडियन आर्मी में कितने सर्विस करते हैं, सिर्फ सिख ही नहीं करते, जाट भी हैं, राजपूत भी हैं, मुस्लिम्स भी आएंगे। राजपूताना राइफल्स के अंदर सिख, जाट, मुस्लिम्स 25-25% इनकी है राजपूताना राइफल्स के अंदर, पंडित भी हैं उसके अंदर। तो देश की रक्षा सारे करते हैं। अगर किसी सैनिक पे हमला होगा ना, तो समझो वो इंडिया पे हुआ है, और सारे मिलकर ठोक लेंगे। फिर चाहे वो खालिस्तानी हो, फिर चाहे वो बंगलिस्तानी हो, फिर चाहे कोई भी टेररिस्ट ग्रुप हो, मिलकर ठोके जाएंगे। अच्छा, ये चीजें जो भी कम्युनिटी या जो भी कंट्री बहादुर को डिवाइड करने की बात करते हैं, हमारे हुक्मरान जो है उससे दोस्ती कर लेते हैं, हर एक मुद्दे में हमारी टांग अड़ाना क्या जरूरी है? देखिए, हिंदुस्तान को डिवाइड होने का ख्वाब यहाँ पे बच्चा बच्चा देखता है, उसको खुशी का इजहार करता है। जो आज है 1971 के अंदर जैसी हमारी बंगाल के अंदर लड़ाई हुई थी, हमसे बांग्लादेश तोड़ने वाले कौन है? हिंदुस्तानी है, उन्होंने हमारा बांग्लादेश तोड़ा है। उसके मुकाबले के ऊपर हम चाहते हैं कि हम खालिस्तान बनाए हिंदुस्तान के अंदर, एक अलग मुल्क बने जिसके साथ हम ट्रेड का आगाज कर सके, पंजाब को हम कनेक्ट करें, ये मसला हमारा। लेकिन 1971 के तो हकायक मुख्तलिफ है, हमने मुजीबुर रहमान को हुकूमत करने नहीं दी, मसले तो हमारे थे ना, फिर बंगालियों ने इंडिया से मदद मांगी। अगर हम उनको हक दे देते तो 1971 कभी होता ही ना, बांग्लादेश तो बनता ही ना। देखिए, इस मुकाम के ऊपर मेरी बड़ी ज्यादा इंडिपेंडेंस हो जाए। देखिए, बात इस तरह कि पाकिस्तान बनाने वाले सबसे पहले आप देखें तो बंगाली थे, उन्होंने पाकिस्तान बनाया, मुस्लिम लीग बनी बंगाल के अन्दर, मुस्लिम लीग की तहरीक बंगाल से चली, मुस्लिम लीग को जो जन्मभूमि जिसको कहा जाता है वो ढाका थी, लेकिन आगे चल गए। हमने उनके साथ ज्यादती की, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने हमेशा से डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं किया। इसके ऊपर मेरा बड़ा न्यूट्रल पॉइंट है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी आनी चाहिए। असल हकदार बंगाली थे हुकूमत करने के, आज अगर वो होते वो ही पाकिस्तान बनाने वाले थे। और एक चीज और बता दूं, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी फेक है। और याद रखें सेकंड चीज, धर्म के नाम के ऊपर बनने वाला कोई भी मुल्क, चाहे सिर्फ पाकिस्तान हो या कोई भी हो, जो भी मुल्क धर्म की बुनियाद के ऊपर बनेगा वो कभी तरक्की नहीं करेगा। उसके पीछे एक वजह है कि धर्म की एक खास बाउंड्रीज है, वो उससे बाहर निकल के नहीं सोच सकता। सर्कुलर इंडिया की कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह है कि वो सर्कुलर इंडिया है, उसके अंदर सब माइनॉरिटीज मिल सेकुलर है, कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का। देखिए, ये चीज होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर भी। और आप सर्कुलर बनाएंगे, एक होनहार बंदों को आगे लाएंगे, माइनॉरिटीज को उनके हक मिलेंगे, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन याद रखिए, वहां पे भी जो सिख कौम है खासकर उसको दबाया हुआ है, वो 1 करोड़ है तादाद के अंदर, 20 मिलियन के करीब है, लेकिन आधा सिख तो इंडिया के साथ जाता है और आधा खालिस्तान के साथ जाता है। अब बिलावल भुट्टो की बात कर लेते हैं, हमारे मुल्क। अब सुन जाहिल, पहले तू सेकुलर बोलना सीख ले, ठीक है? सर्कुलर का मीनिंग ही कुछ और जाता है सर्कुलर सर्कुलर का, समझ गया? दूसरी बात, बिल्कुल सही बात है, ये जो दो कौमी नजरिया ये वहीं से उठा था, बंगाल से उठा था, यूपी से, बिहार से उठे थे जो मुस्लिम्स ने वहां के। तुम लोगों ने, तुम्हारी आर्मी ने क्या करा वहां पे? वहां की लड़कियों औरतों के साथ रेप करते थे। तुम्हारे आर्मी वाले पता है जो कर्नल जनरल थे, वो पता है जाके क्या कहते थे? हाँ सिपाही, स्कोर कितना हुआ आज? बड़े खुश होके बोलते थे वो, जनाब 12-16 लूट मार करते थे, गंद मचाते थे, और फिर वो वहां से भाग के फिर इंडिया में आते थे। इसलिए इंदिरा गांधी हुई परेशान, क्योंकि यहाँ पे बर्डन पड़ रहा था। उस टाइम हमारी कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, पहले अपनों को तो खिला ले, उनको कहां से खिलाएंगे। इस वजह से इंडिया इन्वॉल्व हुआ, नहीं तो घंटा फर्क नहीं पड़ता था, समझ गए? जैसे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, गिलगित में क्या, तुम्हारे सिंध में क्या हो रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें फर्क इसलिए पड़ रहा था क्योंकि वहां से उठ के यहाँ आ रहे, हमारे ऊपर बोझ बन गए थे, और भी बने पड़े आते रहते हैं। उनको भगाने के लिए सीए एनआरसी लेके आया गया था, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए ना कुछ छाती पेटने लग गए अपनी, नहीं 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 नहीं। तो जाहिलो पहले अपनी बुद्धि खोलो, फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करो, सुनी सुनाई बातें पे कुछ भी मत भोगा करो। इसलिए तुम पहले जाते हो हर जगह से, फिर कहते हो हमें, हमारा मजाक क्यों बनाया जाता है, हमें लाते क्यों पड़ती है,
इसी वजह से, वैसे भी तुम्हें पढ़नी भी चाहिए। तो बाकी भाई आप लोगों का क्या कहना है जाहिलों के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं समीर उदंशी चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।